जय जगन्नाथ दिव्यात्मन आम गाँ माध्या पंडित गोटे सुंदर कहानी अच्छी आपण शुणिले भारी खुशी आपन को लगे पंडित तो आमर चाकरी करुले गाँ सात आठ किलोमीटर दूर तेबे दिन घर घटना पंडित बंधु घर को कामाख्या नगर आसते सेते बेलू कौन है आम गाँव में जड़े लोकर गोटे चोरी केसरे से आसी वकिल भी आम गाँव आम गाँव में बहुत सात आठ जन खंडे वकिल अच्छा हाँ ये कामाखानगर कोर्टे सब कम करती अच्छा जो लोकटीर चोरी होकिल बारंबार कहि साखीटा को धरिक आसीबू कौन गोटे के प्रकार साखी था कौन चिन्ह साखी आउ कि साखी आउ कि साखी से दिन केस पड़ी ये लोक साखी की धरिक आगे साखी बस स्टाण ओई जलखिया फलखिया खाई यूँ आसी कही कड़े टे पल ये कोर्ट लोकारण्य भितर मफसलिया लोक बोलते ठीक जगार पहुंची पानी वकिल विरक्त कले हेले तो तारीख पड़ ये जो लोकर केस अच्छी चोरी हो वकिलों पर विरक्त हो आज जिते थर तुम आसान खाली तारीख घुंचौंट आउ पी आज धरिकी आसते कड़े गला जहाँ जो कोर्ट चलती सांगे सांगे वकिल धाईक आसता कहले कहे जहाँ गोटे आजे बाजे लोकटे भी आया करदे खाली चिन्हट करदे साखीटा नहीं जा मुझे बागे देवी कौट भितर पशिले ये साखी खोजु खोजु आखि की आईले कौन करेंगे देख ला पंडित से बुलूंज कौन कोर्ट पाक क्या आसते पान पान खाया बोधे पंडित बुलूँ से जिमी देख ला पंडित गोड़ तले पड़ा कल आंडित मत रक्षा करूँ ना कौन कह चोरी केस जे आप खाली खाली कोर्ट भितर ठिया हे वकिल तो आम गाँ वकिल आप जानते आउ सी आपन को बागेदेव कहले कि रे मुड़ा साखी फाखी पड़नी मुझ जीवन ने के करनी मत गोटे कौन साखी डाकुचु ना कि आप खाली ठिया हे आउ से जो साखी मोर ता ना हूँ पूर्णचंद्र मिश्र आपन को जो पचारे आपण का ना पूर्णचंद्र मिश्र ना पंडित कहले कि पुनिया आसी नहीं कि ना आसी कड़े पलि आपण खाली पूर्णचंद्र ना ठिया हे आउ कि कम ना वकिल आसी डेणा को थोड़े टाणी खोल चंचल पंडित आस ए ठिया हो खाली तुम कह मो ना पूर्णचंद्र मिश्र बापा ना वासुदेव मिश्र ये एमती टणा उटरा भितर से कोर्टे जो थाए पिओन टी से डाकिला पूर्णचंद्र मिश्र हाजिर हे पूर्णचंद्र मिश्र हाजिर हे पूर्णचंद्र मिश्र हाजिर हे ये पंडित को फेरले पंडित कहला हाँ हाँ मुँह पूर्णचंद्र मिश्र भितर को गले जज साहेब पचारे आपण ना पंडित थतंगे कहले कहले पूर्णचंद्र मिश्र पूर्णचंद्र मिश्र अच्छा पंडित कह सारापर पचारे कहले बापा ना जज पचारे कहले वासुदेव मिश्र कहला अच्छा ठीक अच्छे ए भितर ठिया हुआ आसिक से जो गोटे कटघरा ताको हिंदी में कह जाए चारिकट गोटे आवाज होन पट से जा सब साखी निठी जा पंडित ठिया हेले पंडित गोड़ हाथ थरवा लगे जीवन में प्रथम थर पर कोर्ट को आसे कि कौन ये तो कहला मत कौन या भितर आर्ती कले हाँ ठीक अच्छे आओ जज साहब कहले कहला अच्छा से चोरी हेला बेले आप पाखे थे देखी पंडित कौन चोरी किसी तो जानि ना वकिलों मुँह को चाहिए जमी वकिल को मानते मुँह को चाहिए वकिल ठारे हाँ देखी बोली कह पुणी जज पचारे कहले कौन पूर्णचंद्र मिश्र तुम्हें देखी चोरी हेला बेले से कह आज्ञा हाँ मुझे देखी ये थी कहले केते बड़ पंडित कहले मत जे साखी धरिक आटा आम घर आठ दसटा घर छाड़ी ता घर गाई फाई गुड़े बोधे रखी तो मुझे जानी ए गाई कि बलद कौन बोधे चोरी हो तार कि दामुड़ी फामुड़ी चोरी होया घटना आ कौन तेणु से कौन पंडित कौन कले हाथ को एमती टेकीदे टेकीदे भूईठ तीन चार फुट उच्चारे हाथ को टेकिले एमती आओ कह आज्ञा जज रागिगले कह कौन कुकुड़ाटा एत उच्चा पंडित मुंड को बुद्धिटा जुटिला कहले आरी एटा गाई चोरी है कुकुड़ा चोरी हो पंडित तत्क्षणात जज साहेब को कहले कह धर्मावतार हजूर मु डाण हाथा टेकी आपड़ देखिले बाँ हाथ उठे आप रागुं कहीं या कह पंडित बाँ हाथ को टेकिले आओ ए टेकिकमती एमती हाथ को कह आज्ञा एत बड़ कहले एत बड़ कुकुड़ा ना हाँ आज्ञा एत बड़ कुकुड़ा कहले ठीक आओ जज कहले ना ये लोक देखी कुकुड़ा चोरी हवा सत से नहीं हौ हौ आपण एथर जातु पंडित पदा को आसिले आसी तीसटा मुंडिया मारि पकेला से लोक कुंडे पकेला आसिक वकिल कहले कि बुद्धि पंडित आपण पंडित कहला कि तुम मत निर्बुदिया भाव कि आमें आगु मत कहून कुकुड़ा चोरी हो केसटा हो मत खाली टाणुच आसी ठिया भितर बापा ना कह पूर्णचंद्र घोषी बापा ना कह वासुदेव
କଣ ମତେ ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ? ମୋ ନାଁ କହିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ବାପା ନାଁ କହିବ ବାସୁଦେବ। ଏଇଆ କହୁଛ ମତେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କଥା କହୁନ, ହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ତ ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଅବସ୍ଥା? ଓକିଲ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ କାମ କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ାଟା ଏତେ ବଡ଼, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ବାଁ ହାତଟା ନେଇନି, ଡାହାଣ ହାତଟା ଖାଲି ଟେକିଛି। ଏ ବାଁ ହାତ ନେଇ ଯେମିତି ଲଗେଇଦେଲେ କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ କଲେ, ସତକୁ ସତ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ବକ୍ତେ ଖାଇକିରି ଯିବେ। ପଣ୍ଡିତ ଆମର ଭାରି ଶାଣିଆ, ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଆଗରୁ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ବୋକା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତି, କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଖାଲି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତି ବାଲା ଲୋକ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗରେ ଆସେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର କାମ ନ କଲା, ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲା, ଅବଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମିଛ କହିଲେ, କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ତ କହିଦେଲେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଜୀବନରେ କେତେ ଏଭଳିଆ କାହାଣୀ ଘଟିଛି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।